बोट पकड़ने आई, फिर एक नई सुबह। और आज तो महाशिवरात्रि का दिन, शिव जी का दिन, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर को गया शिव जी के दर्शन करने के लिए। आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। इस लंबी लाइन से होते हुए मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने गया। जय बजरंगबली। और वो रहे हमारे शिव जी। जय माँ काली। मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, शिव जी के मंदिर गए थे। ये देखिए, इसी मंदिर में मेरे घर के ठीक सामने ऐसे दिख रहा होगा। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप लोग को शुभकामनाएं। भगवान शिव मनुष्य हो या देवता हो या फिर दानव, सबके लिए वो एक समान है और सभी उनकी उसी मन से हृदय से आराधना करते हैं। और भगवान शिव भी सबको एक समान एक हृदय से ही समझते हैं, इसलिए कोई भी उनकी आराधना करे या दानव करते हैं या साधारण मनुष्य करते हैं या फिर देवता करें, सबको एक समान समझते हैं। शायद इसी कारण से रावण द्वारा रचित शिव तांडव जो है वो इतना प्रचलित है। अब तक रावण को एक राक्षस का दर्जा दिया गया है। उन्होंने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता जी को अपहरण किया था। और उस दौर में, उस युग में रावण बहुत ही आदताई था, फिर भी वो भगवान शिव का एक अनन्य भक्त था। और इस कारण से शिव तांडव जो कि रावण द्वारा रचित है इतना प्रचलित है। तो ओम नमः शिवाय।